हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि सब अच्छे से होंगे। दोस्तों दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि कुछ जो 21 दिन के लॉकडाउन और उससे एक्सटेंड जो लॉकडाउन हो गया है, कुछ लोग ऐसे हैं जो सड़क पर हैं और उनकी मदद की जानी चाहिए। तो दोस्तों मैं अपनी तरफ से और परमात्मा की तरफ से यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि जितना हो सके मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी रजा है उसी कारण। तो दोस्तों ये कोई ऐसी वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसको प्रमोट करने के लिए। ये वीडियो दोस्तों इसलिए बना रहा हूँ, मैं अक्सर मैं इसलिए बनाता नहीं हूँ, लेकिन इसलिए बना रहा हूँ कि इसके माध्यम से कुछ लोग आके जुड़ें और इन लोगों की मदद करें। तो दोस्तों आज संडे है, क्योंकि आज संडे होने के कारण थोड़ा मैं भी ईज़ में रहता हूँ और टाइम ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आज जो मैं करने जा रहा हूँ, मतलब मैंने कुछ खास तो नहीं किया है, हर हफ्ते जो करता हूँ प्रोसेस वही कर रहा हूँ, लेकिन आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि आपको मैं बता सकूँ कि इन लोगों की मदद की जा सके। ये जेल रोड पर मैं खड़ा हूँ और ये जेल रोड पे कुछ झोपड़ी सी हैं, तो उनको मैं आपको दिखाऊंगा, उनकी आप मदद कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं अपने घर से ही बना के लाता हूँ और आज मैंने बनाया है जैसे पूरी और सब्जी। और ये मेरे पास दोस्तों ये थैला है, इसके अंदर पूरी और सब्जी है और ये बिस्किट का पैकेट है। मेरी यही उम्मीद रहती है कि कम से कम एक टाइम ही इन लोगों की हेल्प की जा सके, और आई होप कि आपको भी कुछ करना हो तो दोस्तों आप कर सकते हैं। आपको मैं ये जगह बता देता हूँ, ये जगह है जेल रोड, और जेल रोड के साथ में ये कुछ झुग्गी हैं और लोग यहाँ पे रहते हैं, तो आप इनकी मदद कर सकते हैं। तो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चल के दिखाऊँगा कि वो लोग कौन हैं और जिनकी हेल्प आप कर सकते हो। ये दोस्तों वीडियो एक प्रमोशन के हिसाब से नहीं है, कुछ ऐसा मत सोचना कि मैं लोगों को दे रहा हूँ और वीडियो बना रहा हूँ। ये इसलिए है कि आज कल जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल दुनिया है, इस जरिए एक इंसान के जरिए दूसरे इंसान तक, तीसरे इंसान तक, चौथे इंसान तक मैसेज जाए, जिससे कुछ लोगों के नज़र में कुछ लोग नहीं होते हैं तो उनके बारे में पता लग सके और वो अपने हिसाब से जैसी भी हेल्प करना चाहे वो कर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को हेल्प की सख्त से सख्त ज़रूरत है, जितनी भी हो सके। दोस्तों ये कोई कहने वाली बात नहीं होती कि कितनी करनी है कितनी नहीं,